गाइस नाना प्लाजा पहुंच गया हूं मैं। पहुंचते ही ये वाइब्स है यहाँ की। ये लड़की मुझे लगे अप्रोच कर रही थी, ये भी कर रही थी, ये भी खड़ी हुई है असली। यहाँ पे भाई लॉटरी सिस्टम बहुत चलता है आइलैंड में, जगह जगह आपको दिख जाएगा। लेट्स गो। तो भाई ये है थाईलैंड की सबसे लंबी ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। ये दाल मखनी मंगवाई है, एक नान और एक रोटी। हाँ बाल्टी भर के आ गई ना, ठीक है खाते चलो। 70 बात की है, 30 बात की, 30-35 बात की वो है, तो 250 बात की जो खाना है। गाइस ये है नज़ारा बैंकॉक का नाइट का। ये जो ब्रिज है वो सस्पेंशन वाला है, वॉकिंग ब्रिज है फ्लाई ओवर के पास, ठीक है। तो जा रहा हूँ नाना प्लाजा, दिखाता हूँ आपको। ये पूरा सिटी सेंटर है, चारों तरफ दिख रही है। ये प्लैटिनम मॉल है, वो पी लिखा हुआ बड़ा प्लैटिनम मॉल। और ये सब कुछ यहाँ आप देखोगे, लोकल बस बहुत पुरानी है, चौन बता, सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और भाई जाने के लिए बहुत गाड़ियाँ, आने के लिए कोई रास्ता नहीं लग रहा, वन वे है क्या पता नहीं। तो सेंट्रल वर्ल्ड आपको यही दिखेगा, यहाँ पे भी मॉल में जाऊँगा मैं, दिखाऊँगा आपको। पर अभी जो है मार्केट, यहाँ पे मार्केट नाम से शॉपिंग मॉल है एक, और सामने बिग सी नाम से भी एक शॉपिंग मॉल है। बहुत बड़े बड़े मॉल है यहाँ पे भाई, शॉपिंग सेंटर है, ठीक है। कुर्ता डमी बना रखा है इतना बड़ा, ये देखो भाई गोप्रो ने धोखा दे दिया है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। गोप्रो ने धोखा दे दिया है भाई, और गोप्रो बताऊंगा बाद में, बहुत बुरा हाल है। पूरी ट्रिप खराब कर दी इसने मेरी, पहले मेमोरी कार्ड फुटेज करप्ट कर दी सारी, तो इसकी बैटरी जीरो दिखा रहा है रिकॉर्डिंग करने का, ठीक खराब है बैटरी भी मंगवाई है मैंने, देखते हैं अभी। यहाँ से लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सेंट्रल वर्ल्ड मॉल भी इतना बड़ा है ना, जैसे प्लैटिनम इतना बड़ा मॉल है, ये यहाँ से लेके वो वहाँ तक, ठीक है। बड़े बड़े मॉल है भाई यहाँ पे, सब यहीं समा रखा है, सारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और ये छोटा सा ये भी कुछ है, बिक्सी भी है, इतना बड़ा नहीं है पर है ये भी। ऐसे मॉल्स पे घूमने के लिए ना आपको कम से कम आधा दिन या पूरा दिन लग जाएगा, आधा दिन तो लग ही जाएगा। ठंड करता है, शॉपिंग कहाँ कहाँ करनी है, क्या क्या करनी है। आपने वर्ल्ड सिनेमा भी है, सिनेमा भी देख सकते हो, और बहुत सारी मतलब हर कैटेगरी, इतनी भी शॉपिंग है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, सारा डाल रखा है यहाँ पे। रेस्टोरेंट है, शॉपिंग, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। दो मॉल घूम लो या एक दिन में दो चीज़ें कर लो, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे सही से। अगर करना है भागम भाग करनी है तो बात अलग है, ठीक है ना भाई। थाईलैंड में ऐसा ऐसा मिल्क मिलता है 10-10 बात का, फ्लेवर्ड मिल्क है, लैक्टोज फ्री यानी टॉन्ड वाला, ठीक है। मैंने अभी एक पी लिया है, एक दूसरा पी रहा हूँ। इंस्टेंट पावर के लिए आप पी सकते हैं भाई। बैंकॉक में भी ऐसे ट्रेन चलती है रोड के बीचों बीच, अभी रास्ता बंद कर रखा है, पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये नज़ारा भाई, ठीक है चलो फिर चल रहे हैं, नाना प्लाजा दिखाते हैं आपको। तो भाई इस नाना प्लाजा पहुंच गया हूँ मैं, और ये है पहुँचते ही ये वाइब्स है यहाँ की। बार पापा यहाँ पे म्यूजिक एवरी। नाना प्लाजा की इस रोड में पहुंचा हूँ, ये मेन रोड है और यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा जिसके लिए ये जगह फेमस है। और आपको मैं चलता हुआ दिखाता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो बार और पब दिख रहे होंगे आपको, और रोड साइड जो है। ये लड़की मुझे अप्रोच कर रही थी, ये भी कर रही थी।
तो रोड किनारे आप दिख जाएंगे यहाँ पे रेड लाइट एरिया में लड़कियाँ अपने कस्टमर का वेट करते हुए, यहाँ सच दर्ज के लड़कियाँ खड़ी होती हैं। आप भी वो दिखेंगे आपको उस स्कैम का, मुझे आगे आपको इस वीडियो में दिखेगा। आपको एक स्कैम तो ये है वो जो आपको लाइव स्कैम दिखाऊँगा वीडियो में आगे, दूसरा स्कैम ये है जो ये यहाँ पर लड़कियाँ हैं वो लड़कियाँ भी नहीं हैं कहीं, तो लड़के हैं लड़कियाँ बन के खड़े होते हैं। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा, उसके बाद अंदर जाऊँगा नाना प्लाजा की तरफ। तो गाइस नाना प्लाजा की तरफ देख रहे हो आप, वहाँ पे बाउंसर खड़े हुए हैं, वो बाउंसर आपकी चेकिंग करते हैं, एज चेक करते हैं, क्योंकि लीगली आप 18 से बिलो नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि बिलो 18 आप अंदर नहीं जा सकते। दूसरा यहाँ पर कैमरा और वीडियोग्राफी के लिए पहले मना किया जाता है, और अगर किसी ने किया तो उसका फ़ोन वोन छीन लिया जाता है, ठीक है। पेनल्टी वहाँ बहुत तगड़ी है, वहाँ पर लगभग 5000 बात आपको पेनल्टी वहाँ पर दिखेगी, वहाँ पर पोस्टर लगे हुए 5000 बात। सेल्फ़ी ले रहा था तो आप सेल्फ़ी भी नहीं ले सकते अपनी, वो भी डिलीट करवा दी जाती है, तो मैंने अपनी सेल्फ़ी ली तो वो डिलीट करवा दी थी मुझसे, फिर भी मैंने रिकवर कर ली थी। अगर हो सके तो मैं आपको दिखा दूँगा अगर मेरे पास मिली तो। दूसरा आपको अंदर बार में ये तो आपको हर एक बार में वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर फ़ोन वीडियोग्राफी पे होता वो दिखा, मैं अंदर नहीं निकाल पाया फ़ोन और एक हल्का फुल्का जेब में निकाला ही था, तो हल्की सी फुटेज है वहाँ दिखा देता हूँ। अब अंदर का सीन क्या है, अंदर क्या है, वहाँ बाहर ही बाहर है और वहाँ पर बार में बैठने वहाँ पर आपको लड़के इन्वाइट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अंदर बैठना है तो आपको अंदर बैठने भी नहीं दिया जाएगा, अगर आप सीधा जाते हैं आपको गेट पर पहले कुछ परचेज़ करना पड़ेगा, बियर या समथिंग, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ ड्रिंक परचेज करनी पड़ेगी, उसके बाद बैठोगे तो ड्रिंक परचेज करने के बाद आप वहाँ पे आपको वहाँ की लड़कियाँ आएंगी जो आपको सिक्यूज़ करेंगी और कहेंगी कि लेडी ड्रिंक मंगाओ, लेडी ड्रिंक मंगाओ। आप अगर बह गए और लेडी ड्रिंक मंगाई तो आपको लेडी ड्रिंक महंगी पड़ती है वहाँ पर। दूसरी चीज़ है उसके बाद फिर और आप खर्चा करवाएंगी आपको टच करके और आपको मतलब सिक्यूज़ करके, ठीक है। तो बिल बनवा देते हैं वो तगड़े वाला, ऐसा वहाँ मैंने देख रहा था मैं थोड़ा। मैंने तो ये चीज़ नहीं की क्योंकि पता है कि पटाया में मैंने इन फ्रेंड बनाया था, तो उसके साथ मैं जाता था, वो पीता था, मैं पीता नहीं था, तो उसके बेस पर मैं बैठ के मैंने चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ पे हर जगह ये चलता है, वीडियो में आगे आएगा जब उसमें दिखाऊँगा मैं। तो ये काइंड ऑफ रेड लाइट एरिया है, ये गर्ल को इस गर्ल से बात हुई थी जो रोड की प्रोस्टिट्यूशन में खड़ी थी, जो उसने मुझे रोका, उससे बोला, मैंने जानने के लिए कुछ पूछा उससे, तो मैं वो फुटेज भी रिकॉर्ड की थी, वो फुटेज मुझे मिल नहीं रही है। उसने बोला था एक लड़की के साथ रिकॉर्डिंग है आदमी जो उनका जो ब्रोकर था वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी अभी आगे। और उस जो लड़की की वीडियो थी वो मेरी स्किप हो गई, डिलीट हो गई, पता नहीं क्योंकि GoPro की फुटेज कहीं डिलीट हो चुकी हैं आपको जैसे पता ही है, रिकवर करने के बाद भी बहुत सारी रिकवर नहीं हुई है। तो भाई साहब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो रोड की लड़कियाँ दिखेंगी वो आपको 2500 बात की डिमांड करेगी और नाइट, और उसके बाद टुक टुक वाले लड़के जो है ये भी ये काम करते हैं ब्रोकरेज का। और और उसके बाद आपका होम रहने का होटल खर्चा आपका और बाकी और खर्चा आपका, बाकी आपकी अगर आप ये स्कैम भी हो सकता है कोई, मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने तो कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए जाना था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी डीपली क्या होता है, क्या स्कैम होता है, वो तो आपको वही बंदा बता सकता है जिसके साथ हुआ हो, बाकी जो सुनी सुनाई बात है और जो पता लगता है वो यही है। तो आप ये तो थाईलैंड में ऐसा नहीं है कि सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं, पर काफ़ी से देश में राजकीय शासन है तो हो सकता है पुराने टाइम में ऐसा चलता हो, तो वही चीज़ यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो भाई वो लड़की खड़ी हुई थी पर्स दिखा रही थी मुझे, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए था, और
बाकी मैंने ज़्यादा इसमें घुस के मतलब ना ड्रिंक ना कोई सर्विस ली, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो डीपली नहीं दिखा सकता वीडियो नाना प्लाजा का। और अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा नाइट लाइफ का, तो लाइक शेयर करना। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो नाना प्लाजा के अंदर आप फोटोशूट वीडियो शूट नहीं कर पाओगे, अगर देख लेंगे तो डिलीट करवा देंगे, वैसे भी करवाई थी ठीक है। और यहाँ पर आपको बाहर माथा मसाज वगैरह के लिए भी बुलाएंगे और ड्रिंक वगैरह के लिए बुलाएंगे और दूसरे काम के लिए बुलाएंगे। नाइट वाला लड़कियाँ बहुत खड़ी रहती हैं तो 2500 बात मना मांगती हैं ठीक है। तो ये सब यहाँ चलता है। और अभी जितनी इतनी रात होती जाएगी, अभी 10:30-11 बजे हो रहे हैं, इतने टाइम होता रहेगा रात 1 बजे के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको चीज़ें दिखेगी ये चीज़ें। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बना दिया है, ज़्यादा लेट नाइट यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ पर जरूरत नहीं है किसी रुकने की। ये देख लो टुक टुक पे साइलेंसर लगा रखे हैं सबने, आज यहाँ पे सारे टुक टुक वालों ने साइलेंसर बड़े बड़े लगा रखे हैं, हायाबुसा वाले जैसे BMW बड़ी बड़ी बाइकों वाले ठीक है। तो चलो भाई मैं चल रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुड बाय, जय हिंद। कल मेरी फुकेत के लिए बस है और कल फुकेत निकल रहा हूँ ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड नाइट। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे ठीक है।